इमेजिन करो आप ट्रेन के अंदर एक बैग पड़ा है और ट्रेन एक्सलरेट कर रही है ए एक्सलेशन के साथ। सोचो अगर ट्रेन आगे एक्सलरेट कर रही है, अंदर कोई बॉक्स पड़ा है, बॉक्स पे क्या लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में? सूडो फोर्स, कितनी मास इनटू एक्सलेशन। कोई डाउट इसमें? तो अगर ट्रेन ए के साथ एक्सलरेट करेगी तो बॉक्स एम ए के साथ पीछे जाएगा, बात हो गई खत्म। सही है। अब इमेजिन करो एक ड्रम है, सिलेंडर है या ड्रम है, उस ड्रम की फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं है। और सोचो चलो हम ड्रम के अंदर बैठे हैं और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, हम बैठे नहीं, हम खड़े हुए हैं, हम फिसल भी सकते हैं, और किसी ने ड्रम को बहुत तेज घुमा दिया, हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? वहीं खड़े रहेंगे, हम गिर जाएंगे, हम सेंटर की तरफ आ जाएंगे, या हम दीवार पे चिपके मिलेंगे? दीवार की तरफ जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं लग रहा है? चलो एक बंदा लगा लो, एक ही बंदा खड़ जाए, भीड़ क्यों क्यों सोचना, मैं ही खड़ा हूं। और सोचो तुमने ये रूम को बहुत तेज घुमा दिया, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? मैं तुम्हें चिपका मिलूंगा दीवार से। और अगर तुमने बहुत तेज, यार तुमने वो नहीं देखी मिक्सी चलती है, देखी मिक्सी का सामान क्या सेंटर की तरफ होता है, उसकी पूरी दीवार पे पूरा का पूरा पता होता है, और अगर तुम खोल दो ढक्कन तुम्हें पता लगेगा कि सामान कैसे निकलता है। तो यानी कि बहुत तेज फोर्स लगती है बाहर की तरफ, इमेजिन कर पा रहे हो? और तुमने ढक्कन लगा रखा है, तुम देख सकते हो कि वो दीवार के साथ सारी चीजें दीवार के साथ चिपकी होती हैं। ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ड्रम घूम रहा है, ड्रम घुमाने के लिए तो मोटर लगी हुई है, वो तो मोटर घुमा रही है, तो मोटर ड्रम को क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ड्रम को सर्कल में घूमना पड़ रहा है, तो ड्रम को क्या मिली? सेंट्रिपिटल। लेकिन इमेजिन, और सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन मिली, जो कहां करेगी? ड्रम के सेंटर पे। सही है। तो अगर मैं इसी चीज को यहां बनाऊं, ये ना मेरा ड्रम और ये ना ड्रम का फ्लोर, ये लो ये रहा फ्लोर, फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है, और ये लो कोई यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, और ड्रम रोटेट कर रहा है बहुत तेजी के साथ, ओमेगा घूम रहे, तो किसी मोटर ने घुमाया, तो ड्रम के पास कौन सी एक्सलरेशन है? सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है, जिसका फॉर्मूला ड्रम का रेडियस इंटू ओमेगा का स्क्वायर है। कोई डाउट इसमें? ड्रम के पास ही एक्सलेशन है, राइट? और एक्सलेशन ड्रम की कहाँ है? टूवर्ड सेंटर। अभी अभी ट्रेन वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अगर ट्रेन आगे एक्सलरेट करती है ए के साथ, तो अंदर ब्लॉक ए के साथ पीछे जाता है। अब सेम, अगर ड्रम एक्सलरेट कर रहा है ए के साथ, और एक्सलेशन ड्रम की कहाँ है? टूवर्ड सेंटर, अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि ड्रम की एक्सलेशन टुवर्ड सेंटर और सामान की एक्सलेशन अवे फ्रॉम सेंटर। तो फोर्स, ये मैन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहाँ? अवे फ्रॉम सेंटर। और इस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। क्योंकि एक्सलेशन तो ड्रम की थी, पर ऑपोजिट फोर्स किसको मिल रही है? मैन को मिल रही है। तो मैन को फोर्स ऑपोजिट टू अवे फ्रॉम सेंटर मिलेगी, तो अवे फ्रॉम सेंटर कितनी? इसका मास और ड्रम की एक्सलेशन। ड्रम की एक्सलेशन क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखने में फॉर्मूला सेम है, आर ओमेगा स्क्वायर। इस सूडो फोर्स को इस चैप्टर में नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कहां एक्ट करती है? अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। और सेंट्रीपिटल, जो सेंट्रीपिटल है ये अवे फ्रॉम सेंटर है, सेंट्रीपिटल हमेशा टूवर्ड्स सेंटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ड्रम के पास कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। पर अंदर जो सामान है अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। फॉर्मूला दोनों का सेम है, देखने में एक जैसी लगती है, पर होती नहीं एक जैसी, होती नहीं एक जैसी, ठीक? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है। क्वेश्चन आएगा, क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक बॉडी पे इकट्ठी एक्ट कर सकती हैं? एग्जाम्पल दो, कैसे? सेंट्रीपिटल किसको मिली? ड्रम। सेंट्रीफ्यूगल किसको मिली? मैन। सेम कैसे है? जो सेंट्रीपिटल जनरेट करेगा वो खुद थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल लेगा, वो तो अंदर बड़े सामान पे वो अवे फ्रॉम सेंटर फेंकेगा, तो सामान पे सेंट्रीफ्यूगल, खुद के पास सेंट्रीपिटल।
नहीं एक्ट कर सकती एक बॉडी पे इकट्ठे। एटम में एटम इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे खींचती है, वो सेंट्रिपिटल है। हाँ तो सेंट्रिपिटल है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है। हाँ लगा दो, अगर नहीं लगाना नेट, मैंने वेक्टर बना दिया वो, देखो एक ही बात है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये बात सब। तो सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं है, सूडो फोर्स है। सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और ये रोज रोज नहीं होती, ये तो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहे, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क है, मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, ठीक। और सपोज करो एक कॉइन पड़ा हुआ है, एक कॉइन पड़ा हुआ है, ये कॉइन जब ये डिस्क तेज घूमेगी और तेज और तेज और तेज और तेज, कॉइन सदा नहीं पड़ा रहेगा, कॉइन बाहर चला जाएगा, ऐसे ही होता है। तो कॉइन जब वो बाहर चला जाएगा, और जब कॉइन बाहर जाएगा अपने आप कैसे जाएगा, इसके ऊपर डिस्क को क्या मिली, सेंट्रीपिटल, कॉइन को क्या मिली, सेंट्रीफ्यूगल, तो कॉइन बाहर चला जाएगा। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, तो आइडिया समझ में आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल का, इसको यूज़ भी करेंगे आज हम लेक्चर में, तो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं।